पौलुस कहता है ऐसा मत करो, कमजोर भाई को स्वीकार करो, उसे मौका दो, क्योंकि परमेश्वर दिलचस्पी लेता है कि यहाँ तक कि वो कमजोर भाई भी पूरी आशीषों में चलते जाएं, बिना किसी रुकावट के। उसका जो विवेक है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। शायद वो अच्छी चीजों को बुरा और कुछ बुरी चीजों को अच्छा समझे, लेकिन उसका विवेक बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और जब तक कि उसका विवेक शुद्ध है और जब तक कि उसमें कोई भी दोष भावना नहीं है, तो फिर वो चलेगा उस भरपूरी में, उस परिपूर्णता में, उस विजय में जो परमेश्वर ने दी है। His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर एक और वचन को देखते हैं, रोमियो अध्याय 14, और यहीं पर हम रुक जाएंगे क्योंकि हाँ ये महत्वपूर्ण वचन है। अब ये कह रहा है कमजोर विश्वासी और मजबूत विश्वासी। ये वचन मजबूत विश्वासी, कमजोर विश्वासी, कितने लोग जानते हैं कि कमजोर विश्वासी और मजबूत विश्वासी हैं? कमजोर कौन और मजबूत कौन है? मजबूत विश्वासी वो है सबसे पहले जो वचन में मजबूत है, वो जानता है कि सच में सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, उसके पास में कोई गलत विचार नहीं है, वो गलत को सही और सही को गलत नहीं सोचता है, जानते हैं, वो ज्यादा सटीक है, जानता है क्या सही है क्या गलत है। बहुत सी बातों के बारे में वो सिद्ध तो नहीं, लेकिन जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ज्यादा, वो ज्यादा जानता है, बहुत जानता है। मजबूत विश्वासी यही है। कमजोर विश्वासी कौन? कमजोर विश्वासी तो वो है, वो सही करता है, लेकिन सोचता है कि ये गलत है,
उसका दिल उसे दोषी ठहराता है, मेरे प्रभु मैंने ये किया है। जानते हैं, मुझे याद है मैं एक घर में जाता था जो उन दिनों में मैथ्स ट्यूशन लेते थे, वो कॉफी पीने पर विश्वास नहीं करते थे। मसीह लोग थे, वे विश्वास करते थे, लेकिन वो अलग पृष्ठभूमि से आए थे। वो विश्वास नहीं करते थे कि हम कॉफी पी सकते हैं, प्रभु वचन के विरुद्ध में सोचते। तो मैं हमेशा कॉफी पीकर ही उनके घर में जाता था, क्योंकि वहां पर अपेक्षा नहीं कर सकते थे। अगर कॉफी पीना है तो अगले कुछ घंटे तक आप जरूर भूल जाएं, क्योंकि वहां पर आपको कॉफी नहीं मिलेगी, चाहे सर के बल क्यों न खड़े हो जाएं। कोई कॉफी नहीं वाला घर। अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छी मैथ्स टीचर थी, लेकिन फिर भी कॉफी नहीं मिलती। और कारण यह था कि बाइबल कहती है कॉफी नहीं, क्योंकि उसके लिए बुनियाद थी। खैर, नींबू पानी मिलता था, उसे पीकर तसल्ली करनी थी। तो जानते हैं, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं। जानते हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, लेकिन जानते हैं, वो जो सही है वो करते थे। कॉफी पीना कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो सोचते थे कि ये पाप है, सोचते थे गलत है। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि यदि आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो पाप करते हैं। हेलो, ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं कहां से आया हूं। मुझे याद है एक प्रचारक आया करते थे, और जानते हैं वो हमेशा मद्रास में आते थे, अच्छे से शेविंग करते थे, डिओड्रेंट लगाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, और वो अपने ऊपर इतना आफ्टर शेव लगाते थे कि एक मील की दूरी पर से भी उसे सूंघ सकते थे। और मुझे याद है पेंटिकॉस्टल लोग कहते थे कि देखो पूरा संसार आ गया है। वो मीलों की दूरी से संसार को सूंघ सकते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे बताया कि आफ्टर शेव नाम की कोई चीज है। मेरी परवरिश वहां जहां पर आफ्टर शेव उपयोग नहीं करते थे, और वो सोचते थे कि आफ्टर शेव का उपयोग गलत है, यहां कोई खुशबू की चीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें, ये तो पाप में चीजें हैं जो नरक उपयोग करता है, इसका यहां पर उपयोग मत करना, इस तरह से हम इसके बारे में सोचते थे। जब मैंने ये खुशबू सूंघी तो मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना होगा इसे कहां पर ये बेचते हैं। और जब मैंने पहली बार दाढ़ी करना शुरू किया तो मैंने जाकर दुकान में जाकर इन सारी चीजों को देखना शुरू किया। मैंने कहा ये सब कुछ उपलब्ध है, अपनी आंखें खोले और देखे। और तो मैंने जाकर कुछ खरीद लिया, और शुरू में मैंने उसकी कुछ बूंदे उपयोग करना शुरू की, मुझे उपयोग पता नहीं था, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा मैं लगाने लगा। इन चीजों का उपयोग करना अच्छा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप कैसे यहां पर आ सकते हैं एयर कंडीशन के कमरे में जहां पर सब कुछ बंद है, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन बात तो यह है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये तो पाप है, ये तो सच में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सच में सोचते हैं कि ये संसार है, संसार का पाप है, ये ऐसा विश्वास करते हैं। और भी ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मेकअप करना या फिर लिपस्टिक लगाना पाप है, सब कुछ पाप है। जानते हैं, ये बातें कही जाती थी जब मैं छोटा था, और देखिए मैंने इन बातों को पहले कभी नहीं सुना था, और मैं इस तरह से सोचता था कि दो जुड़ी जो उन नकली बालों की है वो लड़कियां लगा नहीं सकती, क्योंकि वो तो पाप होगा, लेकिन एक लगाए तो वो ठीक है, और अगर दो जुड़ियां लगाए तो मुश्किल है, यानी ये तो बहुत ही मुश्किल समय है। और उन्होंने मुझे साफ बता दिया अगर आप अंगूठी पहनेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के लिए उन्होंने मुझे विदेश भेजा, तो मैं अमेरिका में पढ़ाई के लिए गया, और सारे शिक्षक अंगूठी पहने हुए थे, ऐसे अंगूठी जो नरक में लेकर जाती है, यानी मैं ऐसे स्त्री और पुरुषों से सीख रहा था जो ऐसे थे जो नरक में जा रहे थे। सब उन्हें एक तरह से देख रहे थे, और ये कमजोर विश्वासी अलग तरह से देख रहा था। मैं सोच रहा था ये आदमी नरक में जा रहा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसे देखो ये तो अंगूठी पहने हुए हैं। हाँ, मैं इसी तरह से सोचता था, मैं तो बस 20 साल का था और मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस मैं इस तरह का जीवन ही जानता था, उनके हर शब्दों पर विश्वास करता था। अगर वो अंगूठी पहनते हैं तो नरक में जाएंगे, बहुत सरल है। और हम कभी भी कोई सोने के गहने की दुकान की ओर नहीं जाते थे, और कभी भूल कर भी वहां पर नहीं मुड़ते थे, वहां पर क्या है वो देखते भी नहीं थे, क्योंकि हम जिंदगी में कभी खरीदने वाले नहीं थे। और फिर अंत में ऐसा हुआ कि बाइबल स्टडी के समय, यानी देखिए वहां पर हमें किसी घर में जाकर कुछ संदेश देना पड़ता था, और एक बहन के घर में जब मैं गया, वो तो नगर में ज्वेलरी स्टोर के मालिक थे, वो सोने और हीरे के जवाहरात बेचते थे, और वो मुझे क्रिसमस पर एक भेंट देना चाहते थे। उन्होंने चुना वो एक बहुत ही कीमती ऐसी सोने की अंगूठी जिस पर स्टोन लगा था, और मुझे क्रिसमस की भेंट के रूप में उन्होंने दिया। और जब उन्होंने मुझे दिया, मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूं, उसे छूना भी पाप में था,
जब उस बहन ने मुझे दिया तो मैंने उसे तुरंत उसके सामने पहन लिया, लेकिन जैसे मैं कार में बैठा उसे निकालकर अपनी जेब में रख दिया, क्योंकि देखिए वो मुझे नरक में भेजने वाला नहीं था, लेकिन मैं ऐसा सोचता था, मेरा दिल दोष लगा रहा था। देखिए परमेश्वर जानता है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने अंदर सोचता है, मैं यही बता रहा हूं। कोई व्यक्ति शायद गलत महसूस करे कुछ बातों के बारे में, शायद वो सही कर रहा हो लेकिन सोचता है कि ये गलत है। पौलुस कहता है जो वो सोचता है कि ये गलत है उसे करने के लिए तुम क्यों विवश करते हो, जो वो सोचता है कि ये गलत है उसके लिए विवश न करो, और वो इस क्रिया से जाए और खुद इसके बारे में सहमत हो जाए कि ये ठीक है और फिर उसे करने दो तो दोष महसूस नहीं करेगा। देखिए समस्या और कारण तो ये है, अगर आप जबरदस्ती करें कि ये बिल्कुल गलत नहीं है तो मूर्ख हो, इसे पहन लो, कोई समस्या नहीं। अगर इस तरह से आप कहें और उसे पहनने के लिए लगाएं और उसे पहनने के लिए विवश करें तो क्या होता है, वो दोषी महसूस करता है तो उसके पूरे आत्मिक जीवन पर असर पड़ता है। वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो वचन नहीं पढ़ सकता है, मनन नहीं कर सकता है, वो प्रभु में खुश नहीं हो सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, उसका पूरा काम पूरी तरह नाश होता है। तो परमेश्वर इसकी परवाह करता है और पौलुस एक प्रचारक के रूप में परवाह करता है, तो वो कहता है इन बातों को, वो इसके बारे में कहता है, वो कहता है जो विश्वास में कमजोर है उन्हें तुम स्वीकार करो, ऐसे लोगों को स्वीकार करो। हर तरह के लोग है, देखिए ऐसे लोग हैं, जानते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको पसंद नहीं। देखिए कुछ लोगों को दूसरे लोगों के कपड़े पसंद नहीं और वो सच में उसके बारे में कुड़कुड़ाते हैं, ओ ये क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है। देखिए बुरा है, आपको पसंद नहीं है उसको अनदेखा कीजिए क्योंकि बाइबल कहती है उन्हें स्वीकार करो, कमजोर भाई को स्वीकार करो, उस भाई को स्वीकार करो, उस व्यक्ति को स्वीकार करो जो मूर्खता के जैसे दिखाई देता है, अलग बातों पर विश्वास करता, स्वीकार करो। शायद वो बहुत ही बुद्धिमान नहीं दिखता हो, शायद वो बहुत, उसके लिए शायद कुछ समय लगता है, उसे इन बातों को समझने के लिए समय लगता है, शायद वो सोचे आप गलत है, वो आप पर दोष लगाने लगे, लेकिन उसे स्वीकार करो। बाइबल कहती है जो विश्वास में निर्बल है उससे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। वो कहता है इन बातों को बड़ी बनाकर उसके ऊपर विवाद न करो, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, एक विश्वास करता है वो सब कुछ खा सकता है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो सागपात ही खाता है, वो वेजिटेरियन है, वो सोचता है आप विश्वासी हैं और आप मटन खा रहे हैं, यक, हाँ किस तरह के विश्वासी हो तुम, जानते हैं क्यों, क्योंकि वो सोचता है बाइबल के अनुसार ये तो पूरी तरह पाप है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। जैसे मैंने कहा कि कोई डिओड्रेंट लगाता है तो दूसरा नहीं लगाता है, और जो डिओड्रेंट लगाता है वो न लगाने वाले पर दोष न लगाएं, और जो नहीं लगाता है वो डिओड्रेंट लगाने वाले के ऊपर में दोष न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। किसे ग्रहण किया? उसे स्वीकार करता है जो इसे नहीं लगाता और बदबू आती है, बदबू के साथ स्वीकार करता है, प्रभु से स्वीकार करता है और जिस व्यक्ति के डिओड्रेंट की खुशबू एक मील की दूरी से भी आती है, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भी स्वीकार किया। कुछ लोग तो इसमें बहुत दूर चले जाते हैं, आप तो बिना मुड़े उन्हें देखे ही बता सकते हैं कि वो आ रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशबू आती है और आप उन्हें पसंद नहीं करते, आप कहते हो मुझे वो पसंद नहीं, उनकी खुशबू बड़ी दूर से आती, प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया तो फिर क्या करे? वो बहुत ज्यादा डिओड्रेंट पर विश्वास करती है, प्रभु ने उसे स्वीकार किया है। अब इसे सुनिए, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, इस तरह वचन कहता है। देखिए महत्वपूर्ण है, जो भी आप करते हैं जरूरी है कि आप अपने मन में से ठान ले। तो उस बहन ने जब मुझे अंगूठी दी, मैंने उसे अपने पॉकेट में रखी, कमरे में गया और किसी मौके पर, देखिए मुझे वो बहुत पसंद थी, मेरे पास की इकलौती अंगूठी थी जो मुझे अच्छे से फिट होती थी और आज के दिन तक मुझे वो नहीं मिली है, और देखिए मुझे वो बस बहुत पसंद थी, लेकिन मैं बहुत ही डर से उसे पहनता था दोष भावना के कारण। मुझे लगता था मैं नरक में चली जाऊंगा, मेरे प्रभु परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं ये अंगूठी पहना हूं वो स्वर्ग से आग उंडेलेगा, मैं ये सोचता था। मैंने उसे कभी नहीं पहना जब मैं कॉलेज में जाता था न्यूयॉर्क के शहर में, जबकि वहां पर सब कुछ बहुत ही बुरा हो रहा था, कोई भी आपके अपार्टमेंट को खोलकर सब ले जा सकता था। और उस दिन मैंने एक टीवी खरीदा और किसी ने देखा कि मैं टीवी अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहा हूं, और ये तो सच में बहुत ही बुरी बात है, अगर वो आपको टीवी लाते हुए देखे तो आपकी टीवी चोरी जाएगी, खत्म हो गया। मैंने नई टीवी खरीद कर अपने कमरे में रखा और मैंने उस अंगूठी घड़ी और सारी चीजों को टेबल पर रखा,
अगले दिन मुझे कॉलेज में जाना था, जल्दी था, सब कुछ छोड़कर चले गया, ट्रेन के लिए भागा और वापस आकर देखा कि सब कुछ चला गया है। उसमें टीवी भी शामिल था, घड़ी, अंगूठी, सब कुछ चला गया। और मुझे कई साल लग गए कि मैं अंगूठी खरीदूं और पहनूं, और जब मैंने ऐसे किया तो मैं पूरी तरह से जानता था कि ये ठीक है। मेरे दिल ने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, अब ये मेरे लिए ठीक था। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि ये ठीक है, मैं जानता था ये ठीक है, ये अच्छा है। तो मैंने जाकर इसे खरीदा और इसे पहना। ये मेरे लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन जब तक ये मेरे लिए बात थी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उसके लिए विवश करे जो मैं नहीं करना चाहता था, और मैं उनके जैसे हो जाऊं और ये सब। देखिए, और मुझे याद है जब मैं कलीसिया में था, शुरू शुरू के दिनों में मुझे, यानी मैं अलग तरह के कपड़े पहनता था, मेरे लंबे बाल थे और बिल्कुल नौजवान लड़के जैसे, और ये सब मजाक के लिए हुआ करता था। और मैं ऐसी लंबी लंबी यहाँ पर ऐसी कलमी रखता था, और एक प्रचारक जब भी मुझे देखते हो कहते, तंबी इधर आओ, ये जरूरत से ज्यादा लंबी क्यों है। लगता है कि वो टेप लेकर मेरे इन कलमों को नापती थी। अगर एक इंच भी ज्यादा बढ़ा दूं तो वो सबसे पहले इसे देखते और फिर वो मुझसे पूछते थे। अच्छे बड़े प्रचारक थे, लेकिन वो बस इसी के बारे में सोचते और कहते कि तुमने ये जो अपनी कलमें हैं इतनी लंबी क्यों बढ़ाई हैं। तो एक दिन मैं सच में गुस्से में आ गया। मैंने निर्णय लिया कि इसे बहुत मोटा और बड़ा बनाऊंगा, कि मैं जाकर उन्हें दिखाऊं, उनके सामने खड़े रहूंगा, इस तरह से उन्हें दिखाऊंगा, जानते हैं। फिर वो मुझसे बातें नहीं करेंगे, मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रोडक्ट हूं, मैं नरक का प्रोडक्ट हूं, सीधा नरक जाऊंगा। वो हमेशा मुझे बदलना चाहते थे कि मैं उनके जैसे दिखूं, उनके जैसे हेयर कट रखूं, मैं उन्हीं के जैसे दिखने लगूं, जानते हैं। केवल उन्हीं बातों में दिलचस्पी लेते थे कि ऐसे महसूस करवाएं कि मैं अच्छा नहीं हूं, अयोग्य, पापी हूं। क्या परमेश्वर आपके जैसे लोगों को कभी आशीष देगा, जानते हैं, तुम कुछ नहीं, बेकार हो। मैं सोचता हूं अभी वो मुझे देखकर कहते, मेरे प्रभु, अरे ये तो ये है। वो चौंक जाते होंगे। लेकिन परमेश्वर संसार के मूर्खों को लेता है और उनका उपयोग करता है। देखिए, यही तो हमारा परमेश्वर है। वो किसी का भी उपयोग कर सकता है। आप सोचते ये बेकार है, परमेश्वर कहता मैंने इसे स्वीकार किया, ये ठीक है, मैं इसमें काम करूंगा। हाँ, ये ठीक हो जाएगा, प्रभु ने कहा ठीक हो जाएगा। आप जिस भाई के बारे में परवाह करते हैं, जिस बहन के बारे में आप परवाह करते हैं, आप सोचते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, प्रभु उसकी परवाह नहीं करता। वो कहता मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, इसके लिए समय लगेगा, मैं काम करता हूँ, इसे थोड़ा ज्यादा समय दो, जानते हैं, इसे ऐसी छोड़ दो, मैं इस पर काम करूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम बाइबल से प्रचार करो, मैं इस पर काम करूंगा। हेलो, हाँ, ये मेरी पॉलिसी है। परमेश्वर उनमें काम करे, और जब वो पूरी तरह से सहमत है, जब वो पूरी तरह से सहमत है, और जो भी वो करते हैं, ये तो निश्चय उन बातों के बारे में पूरी तरह से दृढ़ करने का परिणाम होना चाहिए, उनकी सहमति के बिना नहीं। तो लोग जैसे हैं उन्हें स्वीकार करते हैं, आप जैसे हैं वैसे आए, आमेन। आप दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर दोष लगाने न दें। मैं आप पर दोष नहीं लगाऊंगा, वो शायद दोष लगाते हैं, मैं दोष नहीं लगाऊंगा। ये पुलपिट दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन ये तो धार्मिकता का प्रचार करने के लिए है। मुझे याद है मैंने एक बार बहुत ज्यादा प्रचार किया, और यहाँ पर 21 दिनों की मैंने सभा की थी, और लोगों को प्रभु के पास में लेकर आया, और वहां पर मैंने बपतिस्मा के बारे में पूरी सीरीज सिखाई। काफी समय से मैंने इसे नहीं बताया है, बस ये बताया कि लोगों को बपतिस्मा क्यों लेना है, जानते हैं, क्योंकि उन दिनों में ये बहुत मुश्किल था। और लगभग 25 लोग मेरे संदेश के बाद में मेरे पास में आकर कहने लगे हमें बपतिस्मा लेना। मैंने कहा ठीक है, अगले रविवार बपतिस्मा दूंगा। वो सब लाइन में खड़े हो गए, और मैं वहां पर अपने कपड़े बदलने गया, और जब मैं वापस आया तो ज्यादातर लोग गायब हो गए थे। हमारी कलीसिया की एक बहन ने उन सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने उनके हाथ पकड़ के उन्हें खींच कर बाहर निकाला, कहा देखो तुम अपने बाल, तुम अपनी मूछें देखो, तुम्हारे कपड़े, तुम यहां पर देखो, तुम बपतिस्मा के लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ, उसने कहा। जो लोग मेरे पास आ रहे थे उन्हें वो पसंद नहीं था, सच में उन्हें भगा दिया। अगले हफ्ते मुझे प्रचार करना पड़ा, जब तक मैं ये न कहूं कहीं न जाना। देखिए, मैंने सब कुछ अरेंज किया था, और वो लाइन में खड़े थे कि वहां पर वो बपतिस्मा ले और मेरे आने के पहले गायब हो जाए। उन्होंने सोचा कि वो कोई अधिकारी व्यक्ति हैं। मैंने कहा जब तक कि मैं न कहूं आप मत जाइए, मैंने आपसे कहा है कि आप आइए, बपतिस्मा दूंगा, प्रभु ने आपको स्वीकार किया है, कोई मनुष्य दोष न लगाए, आप आए, मैं बपतिस्मा दूंगा और प्रभु के साथ में चलो, बस इतना ही। और देखिए, इस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। देखिए, तो कोई दोष भावना नहीं, ये तो कोई दोष भावना नहीं की बात है,
हम यहाँ दोष लगाने के लिए नहीं, जो लोग हैं वैसे ही उन्हें होने दें, परमेश्वर उनका चुनाव करे, उन्हें चुन ले, परमेश्वर उनसे प्रेम करे, परमेश्वर उनसे बातें करे, परमेश्वर ही उनकी सेवा करे, परमेश्वर उन्हें स्वीकार करे। और देखिए यहां पर बस आपको इतना ही करना है, परमेश्वर ने स्वीकार किया इसलिए आप उन्हें स्वीकार करें। एक प्रचारक जिन्हें मैं जानता था, उन्होंने इस तरह से मुझसे कहा, एक प्रचारक जो उनके शहर में आए थे और उनके चर्च में सेवकाई की, और वो प्रार्थना कर रहे थे कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाए ऐसे ही, और वो एक बहन के पास में गए जिन्होंने अपने हाथ उठाए थे। उन्होंने सोचा कि ये पवित्र आत्मा चाहती हैं, वो नहीं जानते थे कि ये तो पहले से ही पवित्र आत्मा से भरी हैं। तो उन्होंने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो बहन, और अगर आप ये अंगूठी निकाल लेंगे, देखिए संचालीस की बात है, अगर आप ये अंगूठी निकाल लेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। और प्रचारक ने उनसे कहा, बहुत देरी हो गई, देरी हो गई, उसने अंगूठी और उसे भी भर दिया है। देरी हो गई है कि उनसे कहें कि इसे निकाल लें, परमेश्वर ने उन्हें भरा अंगूठी और उन्हें भी। अब क्या करें? मैं कहने वाला कौन हूं कि यह ऐसा नहीं होना है प्रभु? नहीं, देखिए यहीं पर तो यह समस्या है। देखिए यहां पर इसके लिए कुंजी तो यह है, जब आप लोगों पर जबरदस्ती करते हैं, आप उन्हें दोषी महसूस करवाने लगते हैं कि वो अयोग्य हैं। यही तो समस्या है। परमेश्वर तो बहुत करुणामय है। चलिए वचन 13 देखें। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का यानी ठोकर का कारण न ठहरे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं। देखिए वो कहता है सारी बातों के बारे में, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वो अशुद्ध है। यदि कोई सोचता है कि ये जो चीजें हैं ये तो अशुद्ध हैं और वो करना नहीं चाहता है, तो उसे ऐसे छोड़ दे, वो कहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अशुद्ध है। जब तक अपने मन में उसे साफ न कर ले, उसे छोड़ दें, क्योंकि वो उसे एक दिन में साफ नहीं करने वाला है। कई बार लोग मुझे ईमेल भेजते हैं और वो हर तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं, और मैं समझ सकता हूं कि ये सारी बातें एक दिन में साफ नहीं हो सकती। अगर मैं कुछ बताने लगूं तो वो कुछ जवाब देते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ बताता हूं, और ये कुछ साबित नहीं करने वाला है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, बस सुनिए, बस सुनते रहिए, एक ना एक दिन आप इसे समझ लेंगे। आप इसे सुनते रहिए, एक ना एक दिन आप इसे समझ जाएंगे। बात तो ये है कि किसी पर आप दोष न लगाएं, क्योंकि ये दोष भावना लोगों के बीच में आती है, उन्हें अपने जीवन में राज्य अधिकार नहीं करने देती। यदि नया विश्वासी आया है बस इसलिए कि उनके कपड़े सही नहीं है, उन्होंने सही कपड़े नहीं पहने हैं, वो सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आपके कलीसिया में बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं, इस तरह की बात, उस व्यक्ति पर दोष न लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसे करने लगते हैं तो वो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि हाँ वो तो योग्य नहीं है, और फिर वो प्रभु की आशीषों को नहीं पा सकता है, वो विश्वास में नहीं चल सकता है। कोई विश्वास नहीं, ये विश्वास के लिए रुकावट है, वो हिम्मत और विजय में और इन सब में नहीं चल सकता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि आप यहां पर नीचे हैं और आप यहां पर ऊंचाई पर हैं, क्योंकि आप बहुत पवित्र हैं और वो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपसे कुछ अलग दिखता है। वो कहता है ऐसा मत करो। देखिए पौलुस कहता है ऐसा मत करो, कमजोर भाई को स्वीकार करो, उसे मौका दो, क्योंकि परमेश्वर दिलचस्पी लेता है कि यहां तक कि वो कमजोर भाई भी पूरी आशीषों में चलते जाएं, बिना किसी रुकावट के। उसका जो विवेक है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। शायद वो अच्छी चीजों को बुरा और कुछ बुरी चीजों को अच्छा समझे, लेकिन उसका विवेक बिल्कुल शुद्ध हो जाए। और जब तक कि उसका विवेक शुद्ध है और जब तक कि उसमें कोई भी दोष भावना नहीं है, तो फिर वो चलेगा उस भरपूरी में, उस परिपूर्णता में, उस विजय में जो परमेश्वर ने दी है। अब यहां पर कितने लोग समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप चले एक अच्छे विवेक में? हां महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में कैसे महसूस करते, ये महत्वपूर्ण है। आपके दोस्त अपने बारे में क्या महसूस करते, उनके लिए आप कभी ठोकर का कारण न बने। अच्छा महसूस करने में मदद कीजिए। मैं प्रचार क्यों करता हूं? इसलिए नहीं कि बुरा महसूस करे, ये महसूस करने के लिए नहीं कि वो बेकार है, किसी काम के नहीं, नहीं कभी नहीं। कभी भी आपको इस चर्च में से बाहर जाते हुए ये महसूस नहीं करना, मैं तो बहुत बेकार हूं, पापी हूं, मेरे प्रभु देखो जानते हैं, मैं अयोग्य हूं। नहीं, इस चर्च में आकर कभी आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस चर्च में शायद महसूस करते आए कि आप पापी हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको स्वीकार करता है, प्रभु आपको माफ करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपकी मुश्किलों में आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपके साथ में होगा, वो आपका सहायक होगा। क्यों? ये आपके अंदर भरोसा लाएगा। शायद आप बहुत सी बातों को न जाने, शायद आप बड़े होकर परिपक्व ना हो, लेकिन ये परमेश्वर के सामने आपके भरोसे को बढ़ाएगा, ताकि आप उसके सामने विजय में चल सके। Found.
friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. No, all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We've got love like God has never rung, he makes stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love like God has never rung out. He made stand for me. We got grace. It blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up and I need him every day. Fire, faith and confidence and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, my God has never rung out. He made stand for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river and you'll never run it dry. We got power over fear and death and hearts filled up with joy. Oh, we got love, my God has never rung out. He made stand for me. It blew apart my chains and set the sinner free. We got, it's like a river and you never run it dry. We got power over fear and death, hearts filled up with joy. Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me and I know I'm never alone. No, all my tomorrows will be better than all my hopes. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost. We got love, grace, peace and power and joy in the Holy Ghost.